नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज लाइव और हम हाजिर हो गए हैं अब तक की तमाम ब्रेकिंग खबरों के साथ। यह खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय से आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां आप पार्टी के नेता अवधेश झा तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच तीखी झड़प की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आप पार्टी के नेता अवधेश झा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आंदोलन में समर्थन देने का प्रस्ताव देने गए थे। वे जैसे ही अपना परिचय दिए कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं में नाराजगी हो गई। संघ के नेता मंजुला देवी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया गया। बाकी सेविका सहायिकाओं ने भी इसका तीखा विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में झड़प हो गई। आखिरकार आप पार्टी के नेता अवधेश झा को यहां से बैरंग लौटना पड़ा। आप पार्टी के नेता अवधेश झा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को उनके आंदोलन में समर्थन देने का प्रस्ताव रखा था। इस बात पर संघ की मंजुला ने कहा कि वे लगातार इस दौर से गुजर रहे हैं। सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यह जो हालात है कई वर्षों से है। इस दौरान उनके नेता कहाँ थे, कई पार्टी के लोग कहाँ थे। उन्होंने साफ तौर से समर्थन लेने और देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेविका एवं सहायिका का दल खुद सक्षम है और वे अपने हिसाब से अपने बूते लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन का दौर जारी रखेंगे। दीपक कुमार तिवारी, बंदरा, मुजफ्फरपुर। यह थी अब तक की खबरें। आप गांव से शहर और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे।